नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। जी हां, वहीं पहुंच गए जहां से शुरुआत हुई थी। 6-7 साल पहले जब नौकरी की शुरुआत हुई थी तब भी नौकरी नहीं थी, और अब एक बार फिर नौकरी नहीं है। बस इस बार चेहरे पर मायूसी नहीं है, चेहरे पर उम्मीदें हैं, मुस्कुराहट है, शायद आपका भरोसा था इसलिए हौसला हिम्मत भी है। अब आपके सवाल पर आते कि आज तक का क्या हुआ गुरु, मतलब हर एक पोस्ट में आप लोगों ने एकदम डाल डाल के लिख रखा है, कमेंट में, व्हाट्सएप पर, फोन कॉल्स पर, नंबर ढूंढ ढूंढ के लोगों ने कहां कहां से कॉल की, मतलब इंडिया पाकिस्तान से लेकर दुबई नेपाल बांग्लादेश तक से फ़ोन आ गया हमारे पास कि सर सच में छोड़ दिए, मतलब छोड़े तो हुआ क्या था, बता तो दीजिए कम से कम, हम साथ हैं। कई लोग हौसला अफजाई कर रहे थे, सर कोई टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग हैं ना। जिन्होंने हौसला हिम्मत अफजाई की उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नकारात्मक बातें की उनका भी शुक्रिया, लेकिन सच यही है कि आज तक से जो रिश्ता था वो फिलहाल ख़त्म हो गया है और एक नई शुरुआत हो रही है। आपको एक नई चीज़ नज़र आएगी, नया सेटअप नज़र आएगा आने वाले समय में। 15 अगस्त वो तारीख है जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, और उसी दिन से हम भी एक नए आगाज़ की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन गुरु बिल्कुल आसान नहीं था, मतलब बाकी छोड़िए, हमारे अपने पिताजी ने हमसे कह दिया कि यार एक काम करो यार, शादी ब्याह कर लो, उसके बाद नौकरी छोड़ना, क्योंकि आज तक छोड़ दोगे रिश्ता नहीं आएगा। बहुत रिश्ते आते और साल दो साल से तुम मना कर रहे थे, अब लड़की वाले नहीं आएंगे। हमको समझ भी नहीं आया कि इस बात को लेकर हम डरे या परेशान हो या ये सोचें कि यार आज तक देख के शादी हो रही थी। लेकिन ठीक है, अपने अपने डर, कई सारे किस्से कहानियाँ, मतलब इस बीच में हमने ऐसे ऐसे सवालों का सामना किया जो हमको अंदाज़ा भी नहीं। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमसे कहा कि सुनो छोड़ तो दिया है बिना हमारी मर्ज़ी के, लिखना मत सोशल मीडिया पर, हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, वहाँ हमारा काम हो जाता है, डॉक्टर साहब खुद आते हैं, ले जाते हैं, पूरा ट्रीटमेंट कर देते हैं, तुम छोड़ दोगे तो आज तक का दबदबा जो है काम नहीं आएगा। कई लोगों ने हमसे और कहा कि यार जहाँ जाते हो अधिकारी खड़ा हो जाता है, नेता फ़ोन करते एक फ़ोन करते हो आता है, बाइक लेने आते हो कहता है यार आज तक से आए हैं। तो ये जितने इंटरव्यूज, जितनी लाइमलाइट और ये जितनी सेल्फी खिंचवा रहे थे बाबू, आज तक की बात बचेगी नहीं, ये लाइमलाइट वहीं तक रहती। ऐसे बहुत सारी बातें, कई सारे दोस्तों ने कहा यार नोएडा में करोगे क्या, मतलब गोंडा से आए थे यहाँ, घर में क्या करोगे, पैसे वैसे हैं? कुछ लोग ये भी आ गए कि यार कुछ चाहिए होगा तो बताना, कुछ लोग मज़े लेने भी आ गए। अब इसके बाद एक सवाल जो हमारे जहन में भी बार बार आया कि यार लोग सही पूछ रहे हैं यार कि यूपी के गोंडा से एक लड़का निकला बिना किसी माई बाप के, मीडिया में आया, पहुँचते पहुँचते आज तक पहुँच गया, और अब इसमें इतनी हिम्मत हो गई, ये खुद का सपना देख रहा है कि यार हम खुद अपना सेटअप खड़ा करेंगे, नौकरी देंगे और नौकरी करेंगे और आगे बढ़ेंगे, कहाँ से ये हो गया? हमने भी इसका जवाब तलाशने की कोशिश की, फिर हमको याद आया कि यार ये छोटे शहर के लड़के होते ना, इनमें हिम्मत बहुत बड़ी होती है, और हम तो ऐसे भी इंजीनियर ठहरे, एक रात में पढ़ के पास हो जाया करते थे, तो वो जो पैनिक होता है ना यार, हम लोगों ने सीखा नहीं। और वैसे भी जब आए थे नोएडा तो कुछ लेकर नहीं आए थे, 10,000 रुपया पापा से लेते थे, एक कमरा लिया था, उसी में वॉशरूम था, उसी में छोटा किनारे किचन था, 3-4 हज़ार रुपये जाते थे रहने के, ऑफिस के बगल में रूम ले रखा था, पैदल जाते थे, पैदल आते थे, 4-5 हज़ार खाने में, और उसमें भी 2-3 हज़ार बचा के हफ्ते में एक पिक्चर देख लिया करते थे। तो जब 10,000 में गुजारा हो गया तो फिर हमको लगा कि अब जिसकी ज़रूरतें कम होती हैं उसके लिए राहें आसान। लेकिन इस कहानी में हौसला हिम्मत जो है वो इसलिए है क्योंकि ज़रूरतें कम हैं, शुरुआत जो है वो बड़े मध्यम वर्गीय परिवार से होती है, और सपने फिर बहुत बड़े आते हैं, आपको लगता है स्काई इज़ द लिमिट। और फिर पिताजी के साथ मुझे वो अपनी कॉन्वर्सेशन ज़रूर हमेशा याद रहती है जहाँ पर उनसे मैंने कहा था कि बीटेक के बाद जानना है, और पापा कह रहे थे कि यार 10 लाख रुपया लगाया है बीटेक में हमने, बर्बाद मत करो, अपने लड़कों पे कर लेना। हमने कहा भरोसा तो रखिए, नहीं मान रहे थे, क्या यार ये फिल्मी बातें जो है ना ये सब लड़के आजकल के करते हैं। हमने कहा अरे ठीक है करते होंगे, आपकी औलाद हम हैं, एक बार भरोसा दीजिए, नहीं मानेंगे तो जहाँ बोलेंगे सब कर लेंगे, शादी ब्याह सब कुछ कर लेंगे। और पहली बार उनको साबित किया, थोड़ा विश्वास किया, इस बार भी सबसे ज़्यादा वही डगमगाए थे, लेकिन इस बार भी हम लोगों ने कहा कि पिछली बार भी आपको गलत साबित किया था, आप ही को खुशी होगी कि हम गलत साबित करो, वो भी काफ़ी खुश हैं। लेकिन ये शुरुआत इतनी आसान नहीं रही क्योंकि आप जब टीवी की दुनिया में आते हैं एक नई दुनिया से तो आपके सपने बड़े होते हो। और मैं अभी भी मानता हूँ कि टीवी इंडस्ट्री एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, जिन लोगों को हमने 10-15 साल पहले देखा था जब हम इतने थे, आज भी वो वहीं पर मौजूद हैं और अगले 5 साल भी वो वहाँ रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आना और यहाँ पर अपनी जगह बनाना का सिर्फ एक फॉर्मूला था कि लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो, दुनिया चाहे ना चाहे सराखों पर बैठा लेंगे। लेकिन वो हमने किया, और जब ये किया तो हमको ये एहसास हुआ कि और बहुत कुछ हम कर सकते हैं। और उस बहुत कुछ को करने के लिए ही जब इंडिया न्यूज़ में हमने शुरुआत की,
जहाँ पर दिल्ली अगर आप कभी आए हों, आप में से लोग नोएडा दिल्ली आए हों, तो यहाँ दो तरह की बसें चलती हैं, एक हरी बस चलती है, एक लाल बस चलती है। लाल वाली बस में ये जो पसीना आ रहा है वो आता नहीं क्योंकि एसी चलता है, और हरी वाली बस का टिकट 10 रुपया कम होता है लेकिन उसमें खिड़की होती है। उस बस में लटक कर जाया करते थे नोएडा से दिल्ली, शाम को लौटते थे, हवा लगती थी, हवा लग के लगता था कि यार ये सुकून जो है ये थकान का सुकून है, और बेड पर लेटते नींद आती थी। वो संघर्ष 7 महीने 8 महीने चला, फिर वहाँ से एक छोटे से चैनल में गए, काम सीखा, फिर जी गए, फिर इंडिया न्यूज़ गए, फिर TV9 गए, फिर वहाँ से आज तक का सफ़र हुआ। इस सफ़र में एक बात तय कर ली कि अपने काम से प्यार होना चाहिए इंसान को। जो काम आप कर रहे हैं अगर आपको उससे प्यार है तो फ़र्क नहीं पड़ता संस्था कौन सी है और क्या चीज़ें हैं, और इस सफ़र को ही ये सोच नहीं आसान बनाती। लेकिन फिर वही कहानी है कि बाबू निकलते वक्त तो ये सबके मन में आ रहा है कि यार अब तो नेता फ़ोन नहीं उठाएगा, अब तो पिताजी सब्जी वाले के पास जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे लड़का हमारा एंकर है, या जैसे हमारे रिश्तेदार लोग कह रहे थे कि यार तुमको लेके एक माहौल बना हुआ था जहाँ फ़ोन करते थे मामला बन जाता था। अब सवाल ये होगा आपके मन में कि भाई खबर तो आप आज तक पर भी पढ़ रहे थे, फिर आपको बाहर निकलने की ज़रूरत क्या थी? तो टीवी की दुनिया में क्योंकि खबरों की मारामारी ज़्यादा होती है, खबरें अक्सर हम सतही छूकर निकल जाते हैं। हम चाहते थे कि खबरों की थोड़ी सी जड़ में जाया जाए, जड़ से थोड़ी खबरें उकेरी जाए और तमाम पहलू जो हैं वो आप तक रख दिए जाए। चेहरे पर थोड़ा फिल्टर भले ही मेकअप के जरिए लगा लिया जाए लेकिन खबरों का फिल्टर ना हो। डेटा फैक्ट जिसकी आज के समय कमी है, फेक न्यूज़ के बढ़ते नैरेटिव के बीच में वो तमाम खबरें आप तक उसी तरह से पहुँचा दी जाए, तो एक तो हमारी कोशिश ये थी। दूसरा, व्यक्तिगत तौर पर आप जानते हैं, आप में से जो लोग सुनते हैं मुझे, कि मुझे किस्से कहानियाँ सुनाने का बड़ा शौक है। मैं अक्सर आप लोगों को किस्से कहानियों को सुनाता रहता हूं, तो हमें लगा कि यार जिनकी कहानियां हम सुनाते हैं क्यों ना उन्हें अपने दफ्तर में बुला लें और क्यों ना उनके साथ बैठकर वो किस्से कहानियां सुनाएं जो आप सुनना चाहते हैं, और आपके सवालों को लेकर हम उनसे सवाल करें। ये एक चीज़ थी जो मैं व्यक्तिगत तौर पर करना चाहता था, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारे पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ होंगे उसमें आपके साथ मिलकर हम नेताओं को, कलाकारों को, खेल खिलाड़ियों को लेकर एक संवाद तैयार करेंगे, और हर बार आपकी भूमिका भी रहेगी, आपको भी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको भी तैयारियां करनी पड़ेगी, हम तो करेंगे ही, ताकि मिलकर हम सवाल पूछ सके, थोड़ा सा कान ऐसे मरोड़े और कई सारे सवालों के जवाब ला सके। इसके अलावा बहुत कुछ और भी है स्पोर्ट्स को लेकर, क्योंकि स्पोर्ट्स हम जानते हैं कि इंडिया में 3 चीज़ें हैं जो हर घर घर में चलती हैं, एक सियासत, दूसरा बॉलीवुड, तीसरा खेल, और इन तीनों को लेकर भी हमारी प्राथमिकताएं हैं। आप में से भी जो लोग जुनूनी हैं, जो लोग सोचते हैं कि यार हम कुछ कर सकते हैं, कोई माध्यम नहीं मिल रहा, उनके लिए भी ये जगह एक अवसर के तौर पर रहेगी। आगे आने वाले समय में हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हो जो हमारे साथ जुड़े, लेकिन मूल कोशिश ये है कि जो कुछ हम करना चाहते थे और जो कुछ हमारे ख्याल थे उनको एक नए सिरे से, नए तरीके से रखा जाए। और वैसे भी किसी ने सच कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है, तो अब जवान खून में थोड़ी सी हिम्मत हौसला था, हमने कहा चलते हैं, बाकी सब आप लोग पर छोड़ रखा है, आप लोग चाहेंगे तो सराखों पर। अब सवाल ये है कि आज तक नहीं तो अब और क्या, तो उसमें हम आपको बता दें कि आती हमें केवल दो ही चीज़ें, एक न्यूज़ पढ़ा हमने और दूसरा बुक्स को पढ़ा, तो हमें लगा कि दोनों को मिलाकर एक न्यूज़ बुक आपके सामने रख देते हैं जहाँ पर खबरों से थोड़ी ज़्यादा जानकारियाँ आपको मिलेंगी। हाँ, इसमें आपको स्पोर्ट्स की अलग स्पोर्ट्स बुक मिलेगी, क्राइम को लेकर क्राइम बुक, हेल्थ को लेकर हेल्थ, और आगे ऐसे ऐसे कारवा जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें हमने आपके लिए खास रखी, जैसे हमने खास रखा है आजकल की दुनिया में खबरों को सतही तौर पर छूकर हम निकल जाते हैं, उसकी डेप्थ जानकारियां नहीं निकलती हैं, तो हमने एक टीम तैयार की है जो आपको डेप्थ एनालिसिस करेगी तमाम खबरों का, तमाम बिंदुओं का, जिससे आपकी जानकारियां जो हैं वो भी बढ़ेगी, क्योंकि हमें आपके समय की कीमत भी पता है कि अगर आप समय दे रहे हैं तो कुछ सीख कर भी जाइए, तो वैसी डेप्थ एनालिसिस वाली जानकारियां फेक न्यूज़ के दौर में आपको मिलेंगी, जिससे कोई आपको बताए कि ये नहीं ऐसा, तो आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, ये डेटा ये ऐसा था। किस्से कहानियां हमने आपको खूब सुनाए हैं, लेकिन किस्से कहानियां अब तक हम सुनाते थे, अब जिनके किस्से कहानियां सुना रहे हैं उनको पॉडकास्ट इंटरव्यूज के माध्यम से आपके सामने हम ले जाएंगे, तो वो बड़ा दिलचस्प रहने वाला, उसको लेके बड़ा एक्साइटेड, उसके लिए आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि मेहनत सवालों में आपको भी करनी है और बहुत कुछ है, धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। अब सवाल ये है कि इसमें आपकी भूमिका क्या रहने वाली है, तो देखिए जी, आपकी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये हमारा जो लगभग 1 करोड़ का परिवार है, तकरीबन 50 लाख इंस्टाग्राम पर, 30 लाख फेसबुक पर, 1 लाख 10 लाख यूट्यूब पर, और ऐसे ही ट्विटर वगैरह वगैरह पर, ये आपकी वजह से हुआ है, नहीं तो गोंडा से आए एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के को, जिसके उसको क्लास में लोग नहीं पहचानते थे, आज देश के तमाम हिस्सों में, देश से बाहर भी लोग पहचान रहे हैं, तो इसमें भूमिका आपकी है।
और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ, क्योंकि आप अपना समय निकालते हैं, हम आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, आपके पोस्ट पर चाह कर भी सबको जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद निरंतर आप जुड़े रहते हैं। आप में से कई लोग कहते हैं सुबह उठते हैं पहला वीडियो आपका देखते हैं। सो ये जो प्यार, ये जो आभार, ये जो भरोसा है, इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे ये गुजारिश करते हैं। गुजारिश ये है कि अभी नई शुरुआत है और नए शुरुआत में जो पिंडदान होता है वो सबको करना होता है, तो हम चाहते हैं कि शुरुआत में आप हमारी मदद करें। आपकी मदद हमारे हौसले को बढ़ाएगी और ये हौसला बरकरार रखना ज़रूरी है। नहीं भी करते हैं जो लोग, कोई बात नहीं, प्रार्थना कीजिएगा अपने अपने ईश्वर, खुदा, अल्लाह, वाहेगुरु, जिससे भी आप करते हैं, कि हम ईमानदार बने रहें। ये ईमानदारी बनी रहेगी और ये सौम्यता, ये आप लोगों के टूवर्ड हमारा झुकाव, ये लगाव बना रहेगा, तो हम मानते हैं कि सब अच्छा होगा। आशीर्वाद बनाए रखिएगा।